जय श्री राम, जय श्री बालाजी। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु कौन है? साधु कौन? साध लिया है मन को जिसने, मतलब मन के घोड़ों को लगाम डाल ली है, बुद्धि का सहारा लिया है, और बुद्धि का सहारा लेकर मन को अपने पीछे चलाना, मन के पीछे नहीं चलना, जो हर समय इस साधना में है, जिसको हर समय हर हालत और हालात में ये ख्याल है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक साधारण व्यक्ति क्या करता है? साधारण कौन? जो साधु नहीं है। जब किसी पर गुस्सा आया, कुछ भी बोल दिया, बिना सोचे समझे कुछ भी करता है, जो मन आए कुछ भी सोचता है, जो उसको समझ आए, बिना जाने पहचाने जो कुछ भी है कर रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, क्या वो वास्तविक भी है या नहीं? कोई प्रमाण है उसके पास उसकी वास्तविकता का? जैसे इंसान की अदालत में प्रमाण मांगा जाता है, भगवान की अदालत में भी प्रमाण मांगा जाता है, तभी इंसाफ होता है। बिना प्रमाण के कुछ भी करते हैं तो फिर कुछ भी होता है हमारे साथ, हम उसका परिणाम भुगतते हैं। साधारण व्यक्ति की भगवान रक्षा नहीं करते, वो जो भी करता है उसको करने देते हैं, वो जो भी खाता है, जो भी करता है, जो साधारण इंसान करता है वो साधु नहीं करता, क्योंकि उसने अपने आप को साधा हुआ है। साधना से वो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है, अपनी रक्षा करता है, उसको अपने आप में, दूसरों में, सब जगह भगवान दिखता है। अपनी रक्षा किससे करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से। जब भी थोड़ी हलचल होती है अपने मन को पकड़ता है कि वो इन पांचों में से किसके चुंगल में फंस गया है, उससे मन को निकाल कर बाहर ले आता है, शांत चित्त होकर परमात्मा का सानिध्य करता है। इस तरह बुद्धि रूपी हनुमान जी रक्षा करते हैं साधु की, संत की। संत कौन? जिसके संग हर समय अंत है, वही है संत। जो देख सकता है अपने हर गुजर रहे क्षण को और बेहतर में लगाता है अपने हर गुजर रहे क्षण को, क्योंकि वो जान चुका है जगत मिथ्या है, कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, न सुख न दुख, न रिश्ते, न भाव, न शब्द, कुछ भी ऐसा रहस्य जिसे जान लिया वो सत्य में जी रहा है। ऐसे रहस्य को जान लेना ही सत्य का संग करना है, सत्संग है। ऐसे साधक की, संत की बल बुद्धि विद्या रूपी हनुमान जी रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, ऐसे संत की हनुमान जी रक्षा करते हैं, इसमें प्रत्यक्ष आ गया है। अब असुर कौन है? असुर निकंदन राम दुलारे। असुर कौन है? जिसका कोई ना तो सुर है ना ताल, जो किसी को भी भाता ही नहीं है, जिसके पास आना जाना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी उससे बात नहीं करता, हर कोई उससे दूर भागता है, कहते दूर से ही सलाम कर लो, इसको बच के निकलते हैं उससे। अब देखो अपनी जिंदगी में आप कितने लोगों के साथ इस तरह का जीवन जी रहे हो, कितने लोग तुम्हारे साथ इस तरह का जीवन जी रहे हैं जिनसे तुम दूर रहना चाहते हो या वो तुमसे दूर भागना चाहते हैं। उनके लिए तुम असुर हो और तुम्हारे लिए वो असुर है। क्यों? जिधर असुर है उधर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास कुछ नहीं है, तो सिर्फ नफरत, स्वार्थ, लोभ। तो मैं आशा करती हूँ हम सब इस असुर को बखूबी पहचान चुके हैं, और ये रहस्य वो लोग सुन रहे होंगे
जो परम जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु भी संत ही है, भगवान उसकी इच्छा की कदर करते हैं, असुर में रहते हुए भी उसकी रक्षा करते हैं, साध संत की संगत का रास्ता बताते हैं ताकि उनके अंदर का असुर सही दिशा लेकर साधना में जाए, संत बने, राम जी का प्यारा बन जाए। राम जी अपने जिज्ञासु को प्यार करते हैं और अपना प्यारा बना लेते हैं, अपना दुलार देते हैं और उनको मन की खुशी भी देते हैं और अपना परम धाम देते हैं। जो प्रभु का प्यारा है वही सत्संग सुनता है, वही सत्संग में जाता है और उसकी भगवान रक्षा भी करते हैं। इस कलयुग में रहते हुए भी वो प्रभु के समीप्य को पाता है। बहुत दयालु हैं प्रभु श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी।